बाद आपको घना सुख हो जाएगा, ये नकली सुख इस संसार का। फिर आप जी क्या करोगे, क्योंकि परमात्मा समर्थ है, ये साधना शास्त्र अनुकूल है, इसका बेनिफिट बहुत गना है। कुछ ही दिनों में आपके पास इतना धन हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा, क्योंकि काल का यू विजाल होगा कि घनी माया होगी तो भी यू फंसेगा। तो परमात्मा की भक्ति में आप आलस करने लग जाओगे, क्योंकि हम दुख में भगवान को घना याद करते हैं, और पुण्यात्मा जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं धन्य है वो, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल पड़ने लग जाती है। परमात्मा बार बार कुछ थोड़े बहुत झटके भी देगा ताकि ये सब संभल जाए, लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सत्र से। ना काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता है, होगा। तो फिर परमात्मा क्या करेगा, जैसे तुरंत उसको मानव जीवन देगा, और मानव जीवन अब ये परमात्मा का ये ज्ञान विस्फोट हो चुका है, पूरे विश्व में जाएगा। अब पुनर्जन्म होते ही उस पुण्यात्मा का सीधा यहीं प्रवेश होगा। हम देखते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चे, कोई तनु का जी 11 दिन का है लड़की, आज सीधे यहीं लेकर आए हैं। अब वो प्यारी आत्मा बेटी कितनी पुनकर्मी है, उसकी आंखें भगवान के दरबार में खुली और सच्चे ज्ञान में खुली, नहीं तो बुढ़िया कर ना जाने कहाँ लिए धक्के खुआओ उसमें, जरा कुत्ते मुत्ते वह माथा टिकवाओ उस पुण्यात्मा का। तो ये एक शुभ संस्कार, और अच्छे प्राणी को मालिक अपने हिसाब से उसको जन्म और मृत्यु करेगा। अब तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे, और ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। क्योंकि मान लीजिए आपका फिर जन्म हो गया, जन्म होते ही फिर वही प्रोसीजर, बचपन में शिक्षा ग्रहण करो, फिर युवा होते ही रोजगार की चिंता, और फिर बच्चे ना हो वह चिंता होगी, तो फिर महाचिंता। और ये भी सोच कर चलो कि हमारा, क्योंकि हम गफलत करेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा, पुनर्जन्म भी वैसे नहीं होगा जल्दी से। तो ये भी ध्यान रखो कि मनमाने फिर अगले जन्म में संतान ना हुई तो दुखी, और होगे तो महादुखी, कोई मर गया कोई जीवित रहा है, कोई रोगी कोई कोड़ी हो गया। हम देखते हैं एक एक परिवार के ऐसे बच्चे हैं तो जीवन से ही ऐसी स्थिति में है, ना वो मरे हैं ना जीवित हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन दुखों को और इस हर हटके कुएं को याद रख कर इस जन्म और मृत्यु से आपको हृदय से नफरत हो जानी चाहिए, एक गलानी बनेगी अंदर में, एक गलानी बनेगी ज्ञान से और भक्ति से, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधे सतलोक जाओगे, मर्यादा में रहना होगा, सतभक्ति करते रहना होगा, आखिरी श्वास तक जाप करना है। कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं, साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे ममचत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। अब कहते हैं भगवान की भक्ति को परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते हैं साईं यूं मत जानियो
प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित समरूं नित। तो पुणात्मा, परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का पाना जितना आसान है, इस पृथ्वी पर कुछ भी काम इतना आसान नहीं है। सतलोक में जाना जितना आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन जो कठिन है वो ये है कि ये विश्वास होना जो ज्ञान दास आपको बता रहा है, ये कठिन है। जिस दिन आपके ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, आपका मोक्ष निश्चित है। और ऐसे वैसे कहने से नहीं, आपको एक पॉइंट पर छह छह प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है, और कहाँ प्रमाण है, और वहाँ गए प्राणियों की क्या स्थिति है। अब जैसे हम देखा करते थे कि एक ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और फिर क्या देखते हैं, बस हम तो इतना ही देखते हैं, बड़े महर्षि थे और उन 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की। अब हमें ये नहीं मालूम था उन साधना करने वालों ने क्या प्राप्त हुआ, उपलब्धि क्या हुई। हमने ये मान लिया कि तो भगवान को पा गए होंगे, और जिनको हम महर्षि मानते थे, जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी जीवनी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मोक्ष के तो आस पास भी नहीं थे। पुण्यात्मा, आज सुबह के सत्संग में एक प्रसंग चला था, परमेश्वर कबीर देव जी जब तपतशिला पर आए, जहां पर वो काल जीव भून रहा था खाने के लिए 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, तो वहां आकर के जब उनसे वार्ता की, परमात्मा देव पूछ रहे थे, वहां पर वो ब्राह्मण भी थे, वो ऋषि भी थे, वो गुरु भी थे, उनसे पूछा तुम क्या साधना करते हो। उन्होंने बताया कि हम वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे और करवाते थे, और समाधि भी लगाते थे, मेडिटेशन भी करते थे, और फिर भी उनकी वह तपतशिला के ऊपर दुर्गति हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी यह साधना क्या आड़े अड़ी, अब क्या साधना थी तुम्हारी, दुर्गति हो रही है। तब तो वो मान गए, हाँ जी हमारे कोई आड़े नहीं आई। तो परमात्मा ने बताया कि तुम ओम नाम का जाप जपते थे, हाँ जी, और ये भी बताया उन्होंने कि हम गायत्री मंत्र जाप करते थे, तप और हवन भी करते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जैसे यज्ञ क्या चीज होती है, ये 5 यज्ञ होती हैं, 500 यज्ञ करनी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन ज्ञान यज्ञों से क्या लाभ है, यज्ञों से मोक्ष नहीं है, यज्ञों से मोक्ष नहीं होता। एक मंत्र है परमात्मा के पाने का, एक नाम है, मंत्र है, जाप है, उससे मोक्ष होता है, लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति में ये यज्ञ सहयोगी हैं, ये यज्ञ सहयोगी हैं। कैसे, जैसे खेत में किसान बीज बीजता है, गेहूं का बीज बीज दिया और खाद और पानी डाला नहीं तो बीज व्यर्थ रहेगा, और यदि गेहूं का बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई भी करते रहे, तो वो भी व्यर्थ है। गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो दी, गेहूं ना बीज कर, तो और फिर ये 500 यज्ञ करते रहे, अर्थात खाद पानी डालते रहे, तो भी व्यर्थ है, क्योंकि अन्न से हमारा जीवन सुरक्षित है, बच्चों का भी, हमारा भी।
अब ध्यान से सुनना, ये दास कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम का पौधा बीज दिया, उसमें खाद और पानी डालते रहे तो एक दिन वो बड़ा होकर के फलों से लदबद्ध होगा और हमें वो वस्तु उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रयत्न किया था। और आम के स्थान पर हमने बबूल आम जान कहे और बबूल का पौधा बो लिया और सिंचाई भी करते रहे, खाद भी डालते रहे, तो वो क्या देगा? आम नहीं लगेंगे, वो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा कि तुमने ओम नाम का जाप किया, हवन भी किया, एक यज्ञ किया। वैसे तो पांचों यज्ञ करने चाहिए। वैसे दूसरा यज्ञ स्वाध्याय से हो जाता है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब परमात्मा बताते हैं कि तुमने प्रयत्न किया लेकिन बबूल का बीज बो लिया, ओम का मंत्र जाप कर दिया, ये बबूल का बीज है। और हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ ये मान लिए, ये भी आपने कर ली, खाद पानी भी डाल दिया, तो बबूल का पेड़ पाक गया, आम का बीज बोया नहीं। अर्थ कहने का भाव ये है कि आप जी ने पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, इस काल ब्रह्म तक की साधना की, या ब्रह्म के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन देवताओं की जो पूजा की, इससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, जिस कारण से आप यहां तपतशिला पर दुखी हो रहे हो। और इसके बाद आप कुछ दिन ब्रह्म लोक में रहोगे, क्योंकि ओम नाम के जाप है, उसके बाद आप नरक में भी जाओगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जब तक भक्ति हमें नहीं मिलती पूर्ण संत के माध्यम से, तब तक हम अपना वर्क डन ही पाते हैं, किया हुआ कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है। आपको पुण्य भी मिलेंगे, पुण्यों का फल भी मिलेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा। जैसी ओम नाम की जाप आपने किया और कोई पुण्य दान किया, वो भी फल मिलेगा, और साथ में आपने पाप भी भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ इस काल के लोक में काल ने हमें इतना विवश कर दिया है कि जैसे यहाँ पर पाप तो अपने आप बिना किए बगैर प्रयत्न के ही होते रहते हैं, और पुण्यों के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, शुभ कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और अशुभ अपने आप होते हैं। जैसे खेत के अंदर हमने गेहूं बीजना है तो उसके लिए कितना मेहनत मांगता हो खेत, पहले उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, हल से ट्रैक्टर से उसको संवारना पड़ता है, और फिर उसमें कीमती बीज डालना पड़ता है, फिर सिंचाई और खाद डालना पड़ता है, और तब जाकर के वो कहीं हमें वो कणक यानी गेहूं प्राप्त होता है। और यदि उस खेत में कुछ भी ना डाला, ना बीज बोए, ना कुछ पानी डाले, तो अपने आप खरपतवार उसमें अपने आप अड़ंगा उग जाएगा। यहाँ का ऐसा नियम है, जब हम सत साधना करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो उसके लिए हमने समय भी डिवोट करना पड़ेगा, और हमने दान भी करने पड़ेंगे, साधना भी करनी पड़ेगी। शुभ कर्मों के लिए तो खूब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और अशुभ अपने आप हो जाएंगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्ता, ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मोक्ष निशानी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी साधना मनमाना आचरण करते हुए फिर रहे थे, तीर्थों पर जा रहे थे, राम और कृष्ण शंकर भगवान की पूजा करते थे, उसको परमेश्वर ने बताया था कि
धर्मदास जी आप यहाँ तीर्थ पर आए।